पीछे का बर्थडे है, तो बेडरूम को करके थोड़ा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे चलो कितना मजा आता है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें पड़ो का आदर करना चाहिए। हम तो जिंदगी भर है साथ, लेकिन दादी बाबा को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़ों को बहुत खुशी होती है। और मैं आज वैसे भी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, किया है इसका बर्थडे का अपने बेटी का। देखिए कैसा लग रहा है, देखो आगे रोशनी पड़ रही है इसकी ज़रा। हाँ मैं थोड़ा बैग से बहुत पसीना आ रहा है, देखो परेशान हो गई हूँ मैं डेकोरेशन करते करते। और आगे से मैं आपको दिखाई देती हूँ, दिख गया कैसा लग रहा है जरा बताना आप। अब मैं आपको बैक वाला दिखाती हूँ, क्योंकि सामने फ्रंट लेने से ना दिखाई नहीं देता। देखो ये डेकोरेशन किया था, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ तो पसीना पसीना हो गया किया है। और कैसा लग रहा है डेकोरेशन बताना, क्योंकि कैसा लग रहा है आपको पता ही है, आजकल रिश्तेदार है ना बर्थडे पार्टी बहुत कम शामिल होते हैं। तो मेरा दीदी का लड़का आता था वो कर देता था, लेकिन अब की कोई नहीं आए ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्या आए ही नहीं। इसकी बुआ जी आई, थोड़ा टीका करके तुरंत चली गई। और देखो और अपने आप करना पड़ा है, खाना भी बनाना और डेकोरेशन भी करना। और देखिए, और ये केक है हमारे बच्चे का, ये बच्चों के दोस्त हैं, हमारे बच्चे के दोस्त हैं। देखिए माजिस कहाँ गई, माजिस ले जलवाओ। देखो ये दोनों दादी बाबा केक खिला रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा खिला रहा है, क्या अच्छा लगता है, ये यादें रह जाती हैं। देखिए ये बाबा को खिला रहा है, और देखो ये होता है हमारे सम्मान। और देखो हमारे बच्चा हमारे साथ में, दोनों के साथ में बस एक यही मौका होता है
सारी पार्टी करने का। देखो अपने पिताजी के पैर छुराए, ये संस्कार होते हैं ना, ये माता जी के छुराए, देख लो हमारे छुराए, ये इसके दोस्त हैं। आप ही बोलो कृष्णा, केक लगा रहे हैं। बात है ना, ऐसे नहीं बोलते मैडम, सिस्टर बोल रहे हैं। अब बताइए खाना कैसा बनाया, सभी बताओ पहले। अब तुम बताओ कैसा बनाया। मुझे तो मटर पनीर, तो मैं एक और मटर पनीर का पूरा डिब्बा दे दो, मैं खाते खाती जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे बैठो, सब पहले पाजी मारो। देखो कृष्णा पूरी बेटा, तू कैसे बैठा, पानी